आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल आपका जी सलाम पर आपसे मुखातिब हूँ। मैं शहबाज लेकर हाजिर हूँ इस वक्त वर्ल्ड न्यूज़, जिसमें जानेंगे आलमी दुनिया की तमाम ताज़ातरीन और अहम तरीन खबरें। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं टॉप 10 न्यूज़। तालिबान के निशाने पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और मुखालिफ जंगजुओं के अहले खाना तसादुम के दौरान मारे गए फौजियों के अहले खाना को किया गया बेघर। अशरफ गनी सरकार ने मुहैया कराई थी जमीनें, घर खाली कराने के खिलाफ कंधार में मुतासरीन ने किया पुरजोर एहतजाज। तालिबान और अलकायदा के हवाले अफगान मीडिया ने किया नया इंकशाफ। हेरात में मुखालफीन के खिलाफ अलकायदा के साथ मिलकर लड़ रहा है तालिबान। खबरों में 9/11 की तर्ज पर बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई का मनसूबा बनाने का किया दावा। बाज़ों की मगरबी ममालिक इस बात का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि तालिबान के इख्तदार में आने के बाद अफगानिस्तान में अलकायदा फिर से सरगर्म हो सकता है। पंजशीर में तालिबान खुफिया एजेंसी के असलहों का एक और जखीरा बरामद करने का दावा कर रहा है, जहां पर बड़ी तादाद में मिले जदीद असलहों पर तालिबान ने किया कब्जा। तो वहीं नॉर्दर्न अलायंस के लीडर सलाहुद्दीन के घर से बड़ी मिकदार में मिली शराब की बोतलें। सालों से पाकिस्तान में मुकीम अफगान पनाहगजीन मुल्क वापसी की बात को लेकर हुए मायूस। माशी बहरान के इम्कान के पेश नज़र अफगानिस्तान वापसी का ख्याल किया तर्क, कहा मौजूदा सूरत हाल में अफगानिस्तान जाने का कोई फ़ायदा नहीं। उनका कहना है कि रोजगार के मौके न होने की वजह से अफगानिस्तान जाना बेकार है। हांगकॉन्ग कोर्ट ने जमहूर पसंद तहरीक के 9 कारकुनों को सुनाई सज़ा, 6 से 10 माह तक की कैद की सज़ा सुनाई गई है। गुज़िश्ता साल 1989 त्यानमेन स्क्वायर हादसे की बरसी के मौके पर एहतजाज करने पर यह सज़ा सुनाई गई है। बाजियों के कोरोना वायरस के सबब इंतजामिया ने मुजाहरों और एहतजाज पर पाबंदी लगा रखी थी। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट गवर्नर गेविन न्यूसम को माजूल करने की कोशिश हुई नाकाम। खसूसी इंतखाब में 67% राय दहिंदगान ने न्यूसम के हक में डाला वोट। इमिग्रेशन, कोविड और जराइम के हवाले से मुतअद्दिद पॉलिसी अख्तियार करने का रिपब्लिकन पार्टी में लगाया गया इल्ज़ाम। जंगलात में लगी आग और तहत से निमटने की वजह से उसके नाकामी को लेकर भी रिपब्लिकन पार्टी ने चला रखी थी न्यूनतम के खिलाफ मुहिम। आम इंतखाबात से कबल सदर पुतिन और हुकूमत पर लगा मुखालिफिन की आवाज़ दबाने का इल्ज़ाम। हुकूमत मुखालिफ मीडिया हाउस, अपोजिशन, यूनिवर्सिटी और कोर्ट पर दबाव बनाने का लगा इल्ज़ाम। वजारत इंसाफ की जानब से टीवी चैनल और अखबार को मुल्क मुखालिफ बताए जाने पर उठाए गए सवाल। सदर पुतिन ने खुद को किया आइसोलेट, करीबी लोगों के कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद खुद को किया आइसोलेट। वाजों के स्पुतनिक कोविड मुखालिफ स्पुतनिक की दोनों ही डोज वो ले चुके हैं और आइसोलेशन के सबब कजाकिस्तान का दौरा उन्होंने रद्द कर दिया है। इस हफ्ते अफगानिस्तान पर होने वाली मीटिंग में अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शिरकत करेंगे। आइसोलेशन से कबल पुतिन ने शाम के सदर बशार अल असद से भी मुलाकात की थी। चैंपियंस लीग के पहले मुकाबले में ही बार्सिलोना को होम ग्राउंड में मिली शर्मनाक शिकस्त। जर्मनी की बायर्न म्यूनिख ने 3-0 से दर्ज की जीत। तो वहीं स्विट्जरलैंड के यंग बॉयज ने मैनचेस्टर यूनाइटेड पर दर्ज की गैर मुतवक्के जीत। चैंपियंस लीग में पहली दफा खेल रहे यंग बॉयज ने मैन्यू को 2-0 से दी शिकस्त। मारूफ अमेरिकी पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स ने मंगनी का किया ऐलान। ईरानी नजाद फिल्म अदाकार और फिटनेस ट्रेनर हसाम असगरी के साथ किया मंगनी का ऐलान। 5 सालों की डेटिंग के बाद स्पीयर्स और असगरी ने सोशल मीडिया पर किया मंगनी का ऐलान।